जय भीम। आज 14 अप्रैल है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महेश पहलवान है। मैं उनसे जानूंगी कि आज उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, 2 साल के बाद कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए सरकार ने जो परमिशन दी है फिजिकल जयंती बनाने की, क्या लगता है कि 2 साल पहले, 2 साल अगर लगातार दी होती तो क्या ये माहौल देखने को मिलता? सबसे पहले आपके सभी चैनल्स के व्यूअर्स को बाबा साहब के 131वीं जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। और जिस तरह से अभी हजूम लाखों की संख्या में आगे और बढ़ता ही जा रहा है, सभी देशवासियों में बहुत उत्साह था कि हम इस पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले मौके पे जरूर पहुँचे। राज्य के नहीं, अब मैं कह रहा हूँ देश विदेश से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या लग रहा है 2 साल के बाद जब इस तरह का फिजिकल अलाउड कर दिया गया है, पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा कैसा लग रहा है? बहुत धूमधाम से मैं देख रहा हूँ। हमारे मंच पे अभी ढोल नगाड़ों के साथ बहुत महिलाएं नाच रही थी, बहुत युवा साथी, नौजवान साथी नाच रहे थे। बहुत लोगों में उत्साह है। कोविड एक बीमारी है, ठीक है, हम उसका भी पालन करते हैं, लेकिन बाबा साहब को लेके लोगों में बहुत आस्था है। बहुत जो समानता, बंधुता, बराबरी के जो मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लाखों की संख्या में यहाँ हैं और पहुँच भी रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया जाएगा, इस तरह की घटनाएं पहले भी आती रहेंगी, आज भी आएंगी और आगे भी आएंगी। क्या लगता है कि बाबा साहब की जो मूर्ति है उनको तोड़ने से क्या उनके विचारों को तोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं होती। ये तो एक संकरी सोच वाले लोग अपना काम करते रहते हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम ऐसी हजारों मूर्तियाँ लगाएंगे, वो तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, लेकिन हम लगाते लगाते नहीं थकेंगे। ये विचार हमेशा ऐसे ही जिंदा रहेगा और ये विचार घर घर तक पहुंचाने का काम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी निरंतर करती रहेगी। आज जब 2 साल के बाद इस तरह का माहौल है, महिलाओं की तादाद भी उतनी है जितनी पुरुषों की है, हमारे देश की महिलाओं जो अभी जी बहुजन समाज से जो महिलाएं हैं उनका विकास होना कितना और ज़रूरी है आज के समय को देखते हुए? नहीं, मैं या आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये कहना चाहता हूँ, महिलाएं बहुत अवेयर हैं, बहुत जागरूक हैं। बाबा साहब के प्रति पूरी निष्ठा, पूरी आस्था उनकी मुझे यहाँ दिखती है और सर्व समाज यहाँ पे है। मैं पूरा देख रहा हूँ, भाप रहा हूँ, हर समाज के लोग यहाँ पे हैं। बाबा साहब का जो किया हुआ काम जो महिला वर्ग के लिए है वो आज दिखता है कि तमाम महिलाएं यहाँ पे हैं और काफ़ी संख्या ज़्यादा है महिलाएं यहाँ पे। मैं सरकार की बात करूँ, यूपी सरकार की खास तौर पे बात करूँ या दिल्ली सरकार की बात करूँ, आज बाबा साहब को एक राजनीतिक एजेंडे में सेट कर दिया गया है। क्या लगता है कि सिर्फ राजनीतिक एजेंडे में सेट करने से उनके विचारों को वो मानती है? नहीं, बिल्कुल, वो सिर्फ उनके लिए एक इवेंट है। बाबा साहब का कोई भी, चाहे महापरिनिर्वाण हो, चाहे उनकी बर्थ एनिवर्सरी हो, सिर्फ वो एक इवेंट बन के रह गई है उनके लिए। वो ज़मीनी हकीकत पे बाबा साहब के मूल विचारों से कोसों दूर हैं, उनके कोई सिद्धांत पे वो काम नहीं करते। पूरे उत्तर प्रदेश में दलित एट्रोसिटी के मामले निरंतर बने हुए हैं, चाहे नई सरकार हो चाहे ये करंट की सरकार हो। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आज की जयंती को और आने वाले सालों की जयंती को किस तरह से देखती है? हम आज की जयंती को आपसी भाईचारा, समानता, बंधुता, इस विश्वास के प्रति एक मैसेज देते हैं कि आज तमाम बहुजन लोग अपने घरों पे दिया जलाएं और ये मैसेज दें कि हम लोग सब संविधान को साक्षी मान के अपने जीवन में एक नए बदलाव का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि आज हर घर में जो है बाबा साहब के नाम का एक दिया जलाना चाहिए। सर आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं आज की जयंती को? सरकार ने 2 साल के बाद जो फिजिकल परमिशन दी है, कैसा माहौल देखने को मिला? देखिए, यहाँ पे हमेशा ही बहुत अच्छा माहौल रहता है। पिछले 2 साल में यहाँ पे जयंती नहीं लगी है तो लोगों को बहुत निराशा हुई थी और आज उसको देख करके कि भाई इस बार जो है ये फिर चांस मिला है यहाँ पे जयंती मनाने के लिए, तो पूरा, मैं कह रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे जो है, भारत यहाँ पे जो है उमड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी आपको इसे देखते हुए। ये बात बिल्कुल सच है कि 2 साल के बाद जब सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए परमिशन दे दिया तो यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं है। लोग आ रहे हैं, देखे पीछे झांकियाँ हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और जिसको जो जगह मिल रही है वहाँ खड़ा हो जा रहा है। बाबा साहेब विचार कहते हैं कि उनके जो विचार थे, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, क्या लगता है आज के दौर में ये नारा कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक लोग इसको मान रहे हैं? देखिए, आज का जो समय है ये संघर्ष करने का समय है और संघर्ष भी
सब एकजुटता के साथ जब संघर्ष होगा तभी यह कामयाब होगा। नहीं आज में आज के देश तारीख में ये संविधान को बदलने की पूरी नियत हो गई है सरकार की। ये जो सरकार चल रही है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मोदी सरकार, ये पूरे संविधान को यहाँ पे बदलने का इसका जो है वो हो गया है। ये संविधान को बदल देंगे अगर ये पूरा एकजुटता के साथ हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो। क्या ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा जो बहुजन समाज है, जो जिसको कहते हैं कि बहुजन समाज बहुत भोला समाज है, ऐसा क्या करना चाहिए कि संगठित रहें ताकि ये जो भगवाकरण की नीति हो रही है, ये जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो बातें उठ रही है, ये चीज़ें ना हो। देखिए बहुजन समाज को एक मंच पर आना पड़ेगा, अपने को त्याग करना पड़ेगा, हर किसी को त्याग करना पड़ेगा। ये जो अलग अलग मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के सपने के देख रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, यहाँ तक कि कोई चपरासी तक भी नहीं बनेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी भी इन्होंने छीन ली तो चपरासी भी नहीं बनेगा। अगर मैं यही कह रहा हूँ कि या तो एक मंच पर आ जाओ, नहीं तो ये लोग जीने भी नहीं देंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पे भारत के अंदर हो गई है। तो देखा आपने, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जो लोग थे उनका सीधा सीधा यही कहना था कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको एक मंच पे आना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह की राजनीति देश में देखी जा रही है बहुजन समाज का हाल बद से बदतर हो जाएगा।